ऐसा लग रहा है कि कुल कायनात मेरे कदमों में आकर ढेर हो गई है। मां बनने का एहसास इतना खूबसूरत है, तो मां बनने का एहसास कितना अजीम होगा। क्या मेरी मां को भी मेरे होने की इतनी ही खुशी हुई होगी? ऐ शुतरबान हुस्ने आलम, वो दोनों जहानों से कीमती है। तू फिकर ना कर अब्बा, बस देखता जा, कल तक सबर कर ले। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। इसे किस्मत की बात है, अगर सीरत खोई ना होती तो फरवा की जगह सीरत होती। वैसे अब सीरत मिल तो गई है, मगर आसमा आंटी ने खूब दिमाग से काम लिया है, फौरन से मंगनी कर डाली। हे फातिमा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं भी, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। झूठ, अगर मुझे मिस कर रहे होते ना तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करते कि आप नहीं आएंगे। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, बस एक काम में फंस गया था। इट्स ओके। अच्छा बताओ, ठीक तो हो ना तुम? जी, अब्बा याद कर रहे थे आपको। हमेशा अब्बा ही क्यों याद करते हैं मुझे, तुम नहीं याद करती? काम कब खत्म होगा आपका? जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सुनो,
इस वीकेंड पे आऊंगा मैं, ओके? आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस अपना जो भी काम है वो जल्दी जल्दी खत्म करें। अच्छा चलो मैं रखता हूँ, फिर फोन करूंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाई तेरा तो वो हाल है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आश्ता बोलो कुछ सुन लेगा, अब चलो। हाँ, और कोई हम दोनों को यहाँ पर खड़ा हुआ भी देख लेगा। हाँ यार, मेरी जान पे बनी है और तुम बकवास किए जा रहे हो। क्या हुआ, किसकी जान पर बनी है? वो इंग्लैंड वालों के फोन आ रहे हैं ना, अब ये बेचारा तो यहाँ अपनी मंगी में बिजी है। बस क्या मतलब, ऐसे ही बकवास कर रहा है। चले स्टेज पे चलते हैं। कामराम ने बताया अपनी अम्मी की तबीयत के बारे में? नहीं अब्बा। क्यों, तू खिले शिकवे तो नहीं शुरू हो गई थी उसके साथ? उनसे क्या शिकवा? करना भी मत बेटा, क्योंकि बेसब्री इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मंजिल तो इंसान कछुए की चाल चलकर भी पा लेता है। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक ठोकर खाए इंसान की बात हीरे से ज्यादा कीमती होती है। इसे देखने से बेहतर है कोई ताला दे दे। मैंने वही लौटाया जो मुझे जिंदगी से मिला। पत्थर को जब चोट लगती है ना तो वो भी आग उगलता है। काश मैं इंसानियत के उस मुकाम पर पहुंच जाता, ना ही फातिमा को तकलीफें झेलनी पड़ती और ना ही मैं रुसवा होता। और फरहत, ना जाने उसने बेटी के बगैर किस तरह जिंदगी गुजारी होगी और किन किन तकलीफों में जिंदगी गुजारी होगी। या अल्लाह, मैं अपने किन किन गुनाहों की तुझसे माफी मांगू। सीरत मुझे मिलकर भी नहीं मिली, ना मुझसे लिपट के रोती है, ना सीने से लग के सोती है। यानी खोया हुआ बच्चा मिल भी जाए तो बचपन नहीं मिलता। अरे नहीं अब्बा, अभी तो टाइम लगेगा, बहुत ही मुश्किल है। 5 लाख? नहीं अब्बा, सिर्फ 5 लाख के लिए मैं सब नहीं छोड़ने वाली। ये सब मेरा है और कामरान भी। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर। क्या बात, मेरी बेटी अभी तक सोई नहीं? हाँ बस वो वैसी। मैं सुलाऊंगी। हाँ को पता है, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ आपके कमरे में सोऊं। आपने मुझे क्यों दूर जाने दिया था अपने पास से? मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि तुम मेरे से एक पल के लिए भी दूर हो। तुम्हारे
अब तुम आ गई हो ना? नहीं जाने दूंगी, मैं तुमको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। फिकर मत करना। मैं अब आपसे कभी नाराज नहीं होंगी अब्बा। मैं अपनी औलाद के लिए अपने माजी को हमेशा के लिए भुला दूंगी। पूछना चाहिए था ना कि ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो तुमसे भी ज्यादा जरूरी था। होगा कोई काम, मुझे क्या पता। क्या मतलब है तुम्हें क्या पता? बीवी हो तुम उसकी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर कब और कहाँ होता है। तो तुम चाहती हो कि मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करूं? तो और क्या भाई, जो बंदा अपनी माँ से छुप कर तुमसे शादी कर सकता है, एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद का कहकर तुम्हारे पास आकर रह सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे छुपकर किसी और लड़की से शादी या मंगनी नहीं कर सकता? तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हो। बीवियों को वैसे भी चौकन्ना रहना चाहिए, और खास करके कामरान सिद्दीकी की बीवी को। क्यों? कामरान सिद्दीकी की बीवी को क्यों? इसलिए क्योंकि मौसूफ पहले तो नींद बेहोशी की हालत में तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, फिर तुमसे शादी करते हैं, और घर किसी को कानो कान कोई खबर नहीं, इसलिए जरा होशियार रहो। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने ये खुशखबरी दी है? नहीं। भाई क्यों नहीं सुनाई? अरे बेवकूफ, ना बताती तो सही, फिर चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों नहीं होता वो दौड़े चले आते। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तुम नहीं जानती इन मर्दों को, इनके लिए अपनी औलाद अपनी बीवी से भी ज्यादा अहम होती है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। माशाल्लाह। तुम खुश तो हो ना बेटा? जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मामा आप तो ऐसे उदास हो रही हैं जैसे मेरी मंगनी नहीं शादी हो गई है। नहीं, उदास नहीं हो रही हूँ, बस फिक्रमंद हूँ। इसमें फिक्रमंद होने की क्या बात है, मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ, घरों में थोड़ी। हाँ ये तो है। ये अहमर कहाँ है? मामा भाई कह रहे थे कि कामरान को इस मंगनी और शादी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है, इसीलिए उसने तुमसे मंगनी की है। अगर मामा मंगनी या शादी इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि वो मेरे साथ मुखलिस रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें तंग कर रहा है। है कहाँ वो? यही था। इतनी सारी शॉपिंग कर ली तुमने और तुम बिल्कुल पागल हो, कोई छोटे बच्चों के इतनी जल्दी कपड़े लेता है क्या? हाँ मैं लेती हूँ इसलिए क्योंकि मेरी सारी सैलरी कल खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी क्यूट से भांजे के लिए आज ही सब कुछ ले लूं। अरे ये तो वही है। एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ? जी वो बस ऐसे ही शॉपिंग के लिए। भविष्य हम सुन। हाँ वो एक मिनट ना, मैं उस दिन के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी।
अरे कोई बात नहीं जी, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। चलो यहाँ से, चलो। थोड़ी देर अगर उससे बात कर लेती तो तुम्हारी कौन सी फ्लाइट मिस हो जाती। चुप करो तुम, बात कर लेती। मुझे क्यों फील हो रहा है कि कामरान भाई को इस शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। हेलो, शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। हाँ वैसे सारा दिन बिजी था, थक गया था तो सोया हुआ था। ओह तो फिर तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया होगा। नहीं हाँ वैसे भी तुम्हें पता रात काफ़ी हो गई है, तुम भी सो जाओ, कल बात करते हैं। बहुत ही बेमुरव्वत इंसान है, मेरे मुंह पे फोन काट दिया, दो मिनट बात कर लेता तो क्या हो जाता। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है तुमने फोन तो उठाया। जी कुछ बिजी थी, स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं तो बस स्कूल के कामों में बिजी हूँ। इतनी भी क्या बिजी थी कि तुम दो दिन से मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही। स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं, बस एग्जाम्स में बिजी हूँ। मैं समझा तुमने मेरी किसी बात का माइंड कर लिया, मैं आ नहीं सका था ना। नहीं कामरान, आप जानते हैं मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। आप तसल्ली से अपना काम खत्म करें, और वैसे भी रात काफी हो चुकी है, सुबह आपको ऑफिस पे जाना होगा। खुदा हाफिज। इसे क्या हो गया? तीन मर्दों को, इनके लिए अपनी औलाद अपनी बीवी से भी ज्यादा अहम होती है। सनी, सनी, सनी शाबाश, जल्दी से उठो, नाश्ता लग गया बेटा, आ जाओ। मामा संडे सोने दे। हेलो हेलो
थैंक यू। और कैसे गुजरे 20 दिन मेरे बगैर? पैसे बड़ी बेमरव्वत हो यार, बता दिल रखने के लिए झूठ बोल देते। मेरे लिए झूठ बोलना इतना आसान नहीं है। नाराज हो मुझसे? क्यों, आपने क्या किया? पिछले हफ्ते आ नहीं सका ना मैं। ये कोई जर्म तो नहीं? तो जो जो मैं वो बता दो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये वो फातिमा नहीं है जिसे मैं छोड़ कर गया था। क्यों? क्यों? क्योंकि उस फातिमा की आंखों में जुदाई का दर्द था, लहजे में मोहब्बत थी, और वैसे ही मेरे करीब आने पर पिघल जाया करती थी। इन आंखों में जो शिकायतें छुपा रही हैं, वो मुझसे कह दो। ओ, सनी की तस्वीरें शगुफ्ता आपा को भेजी हैं ना, बहुत खुश हो रही हैं, कह रही हैं कि माशाल्लाह बहुत हैंडसम हो गया, ये तो हॉलीवुड की फिल्मों का हीरो लग रहा है। आपने ये नहीं बताया कि वो कितना बिगड़ गया? तुम क्या जानो फरहान, जो बच्चे बिगड़ जाते हैं ना वो स्टाइल मारते हैं, सिगरेटें फूंकते हैं, लड़कियों के चक्कर लगाते हैं, क्लब जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते। अरे वाह, फिर तो आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके। हमारी शादी को एक महीना गुजर गया, देखो पता भी नहीं चला। और सिर्फ एक महीने में आपने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, दुख है। दुख? किस बात का दुख? मैंने आपको कभी भी कहीं जाने से नहीं रोका, लेकिन आप सच बता के मेरा मान तो रख सकते थे ना। तुम सही कहती हो, वैसे भी इंसान झूठ बोलकर सही से जी नहीं पाता। और सच तुम्हें बता के मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। क्या छुपा रहे हो खुद से? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं आपकी आंखें देख के बता सकती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं तो हमेशा नजरें मिला के बात किया करते थे। पहले मैं मॉम का मुजरिम था, अब तुम्हारा भी बन गया। और फरवा के भी, इतना दुख होगा ना उसे जब उसके सामने हकीकत खुलेगी। फरवा को दुख नहीं होगा क्योंकि वो इतनी इमेच्योर है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे कितना बेजार हूं, कितना भागता हूं मैं उससे। उसके साथ की कुछ तरह नहीं कह सकते। तुम बताओ मैं क्या करूं? ए, व्हाट हैपेंड? इधर आओ तो बैठो बैठो। मैं कितनी दफा क्या अपना ख्याल रखा करूं, तो पानी लेके आता हूं।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानना चाहती थी। क्या क्या जानना चाहती थी तुम? क्या आप सिर्फ मेरे लिए भी वापस आएंगे या नहीं? क्योंकि अपनी औलाद का सुनकर तो हर मर्द भागा चलाते हैं। तुम्हारे लिए तो मैं पाताल से भी वापस आ सकता। जी जी हाँ, मैं सुबह ऑफिस जाके पूरी तफसील आपको भिजवा दूँ। जी बेटा, फिक्र की कोई बात। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सनी, सनी, सनी बेटा, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं दोस्तों के साथ जा रहा था। तुम्हारी माँ तुम्हें फिर डांटेगी। डैड आपको पता है ना, उनको टोकने की आदत है। बेटा वो तुम्हारी माँ है, उसे फिक्र रहती है तुम्हारी, उसका हक है तुम पे। लेकिन डैड उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कर सकते हो बेटा, अच्छा रिजल्ट देकर। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। देखो बेटा, जैसे ही तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल होगी तो वो खुद ब खुद एक दो कदम पीछे हो जाए। डैड मैं कोशिश तो करता हूं। सिर्फ कोशिश नहीं, मेहनत करो बेटा। और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करो। नेवर डैड, नेवर। जी तेरा खुश रहो, जाओ लेकिन जल्दी आ जा। अल्लाह हाफिज डैड। अल्लाह। बहुत ज्यादा। मैं भी। लेकिन आखिर तुमने खबर मुझसे छुपाई क्यों? तो और क्या करती? आप पहले ही मेरी वजह से अपनी आजमाइशों में घिरे हो गए। मैं माना कि मैं ज़हनी आजमाइशों का शिकार हूँ, लेकिन मैंने तुमसे ये शादी मसलहतन नहीं की। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जब से देखा है तब से। मोहब्बत एक नजर का खेल नहीं है। राइट। लेकिन जनाब जिन्हें लुटना होता है वो यूं ही एक नजर में लुट जाते। मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक ख्वाब है। ये सुकून तो मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। अब्बा की सेहत या भी आप, मैं सोचती हूँ कि तकदीर मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई, मेरी दुआएं कबूल कैसे हो गई। Well, you know, फातिमा, हमारी सब दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन ये इंसान ही होते हैं जो बेसब्रे होते हैं। ठीक है। बेवकूफ इंसान, इतनी गर्मी में इतनी धूप में कौन बैठता है? गर्मी तो नहीं हो रही, मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर है। हाँ हाँ, हो सकता है मेरी नजर खराब हो। फरवा, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना? नहीं, मैं आपके जाने की वजह से उदास हूँ। क्यों? आप चले जाएंगे तो मैं कितनी बोर हो जाऊंगी ना, कितनी तन्हा हो जाऊंगी ना। हाँ तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है, कोई शॉर्ट कोर्स कर लो, जॉब कर लो। हाँ मगर 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 मामा नहीं इजाजत देंगी।
पर इस बार मैंने मना के रहूंगी। हाँ वैसे ही तुम्हारे कम दिन है, फिर उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, बोरियत खत्म हो जाएगी, भाई को मिस नहीं करोगी और चीजें भी हो जाएंगी। अच्छा आपको बड़ा एक्सपीरियंस है शादी का। शादी नहीं की मगर बहुत से लोगों की शादी होते हुए तो देखी है। और अल्लाह करे ऐसे देखते ही रहे। तुम्हारे मुंह में खाक। क्या मतलब? कुछ नहीं। कुछ तो है। अरे कहा ना कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। नहीं 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 कुछ तो है, क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं तो वैसे ही कह रहा था, कोई और बात कर रहा था। जो नए सैंपल्स आए हैं भिजवाए अंदर। खैरियत तो है भाईजान, पूरे ऑफिस में मिठाई बांटी जा रही है, मंगनी रास तो नहीं आ गई। मुबारक हो आपको, ताया जान बनने वाले हैं आप। ताया जान? हाँ ताया जान। लाहौला वाला कुबात है, शर्म करो। ताया जान या चचा जान? चचा। चचा किस हिसाब से? अभी निकालो तुम अपना शनाती का, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन ताया और कौन चचा। अच्छा ठीक है चचा जान। अब खुश? खुशी किस बात की? तुम तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हो पर हमारे लिए नो काइंड ऑफ प्रमोशन। ये तो है, लेकिन तुम्हारी तरक्की के लिए भी एक आइडिया है मेरे पास। भाभी की को खालाजाद है क्या? नहीं मेरी खालाजाद है। बाबा यू आर स्मार्ट। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। जिस दिन आंटी के सामने तुम्हारा भांडा फूटेगा ना उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा। चलो शुक्र है, लेकिन अब उनसे कह देना कि वीकेंड पर जरूर आया करें। तुम प्लीज चुप कर जाओ, पहले मैं तुम्हारी वजह से खामखा कामरान से खफा हो रही थी। मेरी वजह से? जी हाँ आपकी वजह से। ये आप ही की फजूल बातें होती हैं जो मेरा दिमाग खराब करती हैं। भाई वाह बड़ी सयानी हो जैसे तुम, बाकी तो सारी बातें मानती हो ना मेरी। शादी कर ली मुझे बताया भी नहीं, मेरे फरिश्तों तक को खबर ना हुई और ना ही मुझे मिठाई खिलाई, ना पूछा ना कोई मशवरा किया, बस शादी करके आ गई और अब तुम कह रही हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वैसे हो तुम बड़ी बदलिहाज। तुम्हारा मसला क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? देखो शराफत से शादी और खाला बनने की ट्रीट दे दो मुझे, जान छूट जाएगी तुम्हारी। बस हाँ तो और क्या। हाँ लेकिन एक काम कर सकते हैं कि इस ट्रीट में दूल्हे भाई को भी शामिल कर सकते हैं। क्या और कहो बेटा? बस बस देखो मेरी बात सुनो। नहीं और इससे वैसे भी पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी कितनी बात सुनते हैं, वरना मोहब्बत के दावे तो शाहनवाज ने भी बहुत किए थे। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम जब से इस्लामाबाद से आए हो बहुत खुश हो, क्या बात है? बस मां आप जो दुआ करती रहती हैं मेरे लिए उसी का असर है। लमिया तुम्हें और भी खुशी आती है। ओ हाँ याद आया तुम्हारे लिए एक पार्सल आया, मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। खाना लगवा दो? जी मैं चेंज करके आता हूँ, आप खाना लगवाए। इंसान हो तुम, पहले तुम्हें ही जल्दी थी वीजे की, अब जब इतनी कोशिशों के बाद वीजा मिल गया है तो फिर मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए हो? पहले फातिमा नहीं थी मेरी जिंदगी में, तो अब क्या करना? जाना तो पड़ेगा, मॉम का ऑपरेशन भी जरूरी है। वो तो तय हो चुका,
पर प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। यार मैं इस वक्त फातिमा को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? अब क्या हो सकता है? वैसे जाना कब है? शायद अगले महीने। और वहां पर तुम्हें कितना टाइम लगेगा? लेट्स सी, पहले तो वहां जाएंगे, मॉम के कुछ टेस्ट होंगे, फिर ही ऑपरेशन की डेट आएगी। पर वो जो तुमने अपना ऑफिस सेट करना था वहां, वो? हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, मेरे भाई तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके भाभी को बता दो। जितना लेट करोगे ना, उतना ही उलझोगे। सही कह रहे थे। I'll talk to her. कामरान, क्या हो गया आपको? जब से आए हैं इतने परेशान हैं? कुछ नहीं यार, परेशान था काफी। सिर्फ 2 ही हफ्ते नहीं आए और इतना बदल गए। बदल गया हूं? जब गए थे तो आंखों में जुदाई का दर्द था, लहजे में मोहब्बत भी थी। इतने थोड़े से वक्त में तुम मुझे इतना जान जाओगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बताए ना, क्या हुआ है? कहीं परवा से मोहब्बत तो नहीं हो गई? किसी को नहीं दे सकता। तो फिर क्या बात है? तुम्हें दुख देने का हौसला नहीं है मुझे। दुख और खुशी की परवाह मत करे, वो तो नसीब से मिलती है ना। छोड़े आप उसे, बताएं। नहीं, बट तुम्हारी परेशानी की वजह मैं ही क्यों? कामरान, अब बताएं क्या हुआ है, मैं परेशान हो रही हूं। फातिमा, मैं गिर जाऊं।